नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी हाई अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी तबाही भी मची है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी अलर्ट से जुड़ी हुई आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, नाहन में कच्चा मकान क्षतिग्रस्त, भूस्खलन से मटोर शिमला हाईवे 4 घंटे रहा बाधित। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन के मामले बढ़ने लगे हैं। भारी बरसात के चलते मटोर शिमला हाईवे पर पुराना कांगड़ा के समीप रविवार यानी आज सुबह भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। वहीं दौलतपुर सुरंग के पास भी भूस्खलन से हाईवे बाधित रहा। इसके अलावा पुराना कांगड़ा मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसी बसों में बैठे लोग कांगड़ा तक पैदल ही पहुंच गए। करीब 11 बजे तक मार्ग बहाल हो पाया। मार्ग बहाल नहीं होने तक कांगड़ा से शिमला दिल्ली आने जाने वाले वाहनों को पुराना कांगड़ा के वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। वहीं सिरमौर जिला के विकास खंड नाहन की ग्राम पंचायत पंजाहल में आज सुबह मूसलाधार बारिश के बीच कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। अब पीड़ित के पास रहने के लिए घर नहीं है। इसके अलावा बात करें तो संबंधित क्षेत्र के पटवारी को इसकी सूचना दे दी गई है। 2 कमरों का घर क्षतिग्रस्त होने से राशन फर्नीचर और अन्य सामान को भी नुकसान हुआ है। उधर प्रदेश में 7 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 व 6 जुलाई के लिए भारी बारिश व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि 3 व 7 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा बात करें तो आज शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के चलते भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।